बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एसटीए 408 के मिड टर्म की प्रिपरेशन। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से और सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, सब आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगी। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सब आपको हैंडआउट से हाईलाइट करवाऊँगी, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी हैं जो अनसॉल्वड हैं हमारे हैंडआउट्स के अंदर, तो उनको मैंने अलग से सॉल्व कर लिया हुआ, तो इंशाल्लाह वो भी आप सबके साथ शेयर करूँगी और किस तरह से एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है सारी चीज़ें डिटेल से देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ें हमें हैंडआउट्स में से करनी है, और जो सब्जेक्टिव है वो इंशाल्लाह मैं आपको कवर करवाऊंगी। आज हम पहले 4 लेक्चर्स इसके कवर करेंगे जो कि मिड टर्म के सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, और नेक्स्ट 2 लेक्चर्स इंशाल्लाह हम अपने जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास डिज़ाइन और एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपने करनी है। और ये जो छोटी छोटी डेफिनेशन हैं, आपने कोई भी डेफिनेशन स्किप नहीं करनी, क्योंकि शार्ट क्वेश्चन में जो 2 नंबर के आपके शार्ट क्वेश्चन हैं और जो मे बी 3 नंबर का शार्ट क्वेश्चन है उसमें भी आपकी ये डेफिनेशन आ सकती हैं, या फिर जो 3 नंबर के क्वेश्चन है उसमें इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आपको एक जो है वो कंडीशन दी हुई होती है, उसमें आपने हाइपोथेसिस स्टेट करनी होती है, या फिर आपको कोई रीजन दिया गया होता है, कोई आपको किसी टेस्ट की वैल्यू दी गई होती है, सब क्रिटिकल रीजन डिफाइन किया गया होता है, तो आपको उसने उस नल हाइपोथीसिस को आपने रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने का क्रिटेरिया आपने डिफाइन करना होता है। तो डेफिनेशन जो हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। जितनी भी डेफिनेशन हैं आपके हैंडआउट्स में जो भी गिवन है वो सारी अपने लाजमी प्रिपेयर कर लेनी है। अगर आप इस तरह से कर लेंगे तो आपको कोई भी पास्ट फाइल दिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट एट द एंड आप पेपर से थोड़ी देर पहले के लिए, 1 घंटा पहले या फिर थोड़ी देर पहले आप अपने जो पास्ट पेपर हैं उनको देख सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि नहीं करने चाहिए, बट अगर हैंडआउट्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाएँ तो फिर आई थिंक सो कि ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमें कोई पास्ट पेपर की फाइल देखनी पड़ेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन, आपके पास एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन है, ट्रीटमेंट की डेफिनेशन है, यहाँ पे फैक्टर की डेफिनेशन है, एंड उसके बाद जो है वो यहाँ पे एग्जांपल है, वो एग्जांपल ऐसे ही है, उसको बेशक स्किप कर दीजिए। एक्सपेरिमेंटल यूनिट की डेफिनेशन आपने कर लेनी है। उसके अलावा आगे अगर आप आ जाएँ तो यहाँ पर आगे टाइप्स ऑफ एरर हैं, 2 टाइप्स की एरर है, एक सिस्टमेटिक एरर होता है और दूसरा रैंडम एरर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में भी, 3 नंबर के क्वेश्चन में भी और एमसीक्यूज़ में भी ये आता है, ठीक है। इसकी दोनों की डेफिनेशंस आपने अच्छे तरीके से करनी है, एक्सपेरिमेंटल की भी और जो आपका दूसरा एरर है उन दोनों एरर्स की डेफिनेशंस। उसके अलावा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट है, रैंडमाइजेशन, रेप्लिकेशन और लोकल कंट्रोल, इन तीनों के नाम आपके आ सकते हैं। और इसके अलावा आगे इनकी डेफिनेशन है छोटे छोटे, बस एक एक लाइन के मैंने हाईलाइट कर दी है। अगर आपको जो हाईलाइटेड हैंडआउट्स हैं तो मैं ट्राई करती हूँ कि इंशाल्लाह इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी, आप डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद पर्पस ऑफ रैंडमाइजेशन कौन सी है, रेप्लिकेशन की डेफिनेशन, छोटे छोटे बस पॉइंट्स आपने जो है वो याद करने हैं, लोकल कंट्रोल की डेफिनेशन, इसमें 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट और पॉइंट है, बैलेंसिंग एंड ब्लॉकिंग, इनमें आपके ऑब्जेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ डिज़ाइन कौन कौन से होते हैं, सिस्टमैटिक डिज़ाइन है एंड रैंडमाइज डिज़ाइन है, इन दोनों की बस आपने डेफिनेशन कर लेनी है, सिस्टमैटिक डिज़ाइन की भी और रैंडमाइज डिज़ाइन की भी, कि इस तरह से हम इसको डिज़ाइन करते हैं। उसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ रैंडमाइज डिज़ाइन की, इसकी कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है, 3 है, CRD है एंड CRCBD है एंड लैथिन स्क्वायर डिज़ाइन है, ये कम्प्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन एंड RCBD, ये आज का जो लेक्चर नंबर 4 तक लेक्चर्स हैं दोनों में हमने इनको कवर कर लेना है। उसके अलावा नेक्स्ट आगे एग्जाम्पल आपको दी गई है, मार्केटर गार्डनर वांट टू टेस्ट 3 टाइप ऑफ पीस A, B एंड C on his land. He has square plot which he divides into the 9 equal squares. There are 3 to be planted with the each type of peas. The problem which he then faces in which square to plant which type. ठीक है, यानी कि अब इसको जो है एक ने प्रॉब्लम की स्टेटमेंट दी है, इसको हमने जो है वो बताना है कि किस तरह से वो कौन सा डिज़ाइन यूज करते हुए आप इसको जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, उसने कहा कि 9 जो है वो उसके पास प्लॉट हैं और डिफरेंट तरह के सीड्स हैं जिनको उसने जो है वो करना है प्लांट्स में बीज बोने हैं उनके, तो रैंडमाइज डिज़ाइन है, तो रैंडमाइज में इनकी रैंडमली हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे लिखा हुआ है CBB तो आपने भी CBB AA B लिखा हुआ, तो आप फर्ज करें कि ये आप इस तरह से कर लें कि लूडो जिस तरह से हम खेलते हैं तो उसको जब टॉस करवाते हैं तो कोई भी हमारे पास आ जाता है, 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, 3, सेम इसी तरह से किसी भी तरह से इसको रैंडमली
जो है वो लिख सकते हैं ए बी सी बी सी डी, यानी कि नाइन इसके इक्वल्स की अर्ज हैं और उसमें हमने जो है वो इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब देखिए रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक जो डिज़ाइन है उसमें क्या है कि हर एक ब्लॉक में जो है वो एक ही बीच आएगा। ठीक है, एक होता है जस्ट जो है वो कम्प्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन होता है जिसमें हम जस्ट रैंडमली उसको पुट कर देते हैं एक एक ब्लॉक में। उसके अलावा जो है वो जब इसको ब्लॉक में रैंडमाइज कम्प्लीट ब्लॉक जो डिज़ाइन होता है उसमें क्या होता है कि हम एक ब्लॉक बना लेते हैं और उस एक ब्लॉक में हर एक बीच को एक ही दफा जो है वो रखते हैं। यहाँ पे देखें ये आपका CRD है। ठीक है, CRD में क्या होता है कि हम एक जो प्लांट है उसको जैसे कि यहाँ पे देखिए ये BB डबल जो है वो यूज हुआ है। ठीक है, तो जो आपका कम्प्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन होता है रैंडमाइज्ड कम्प्लीटली ब्लॉक यानी कि RCBD होता है, उस इन दोनों में डिफरेंस बस यही है कि इसमें जो है वो जो ए का पूरा एक ब्लॉक इसका बनाएंगे, ये जो पूरा आपने एक ब्लॉक बनाया पूरा एक एरिया तैयार किया उसमें एक बीच एक ही दफ़ा आपने बोना है। ठीक है, ABC और ACB आगे पीछे आप जिस तरह से मर्जी इसको फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा लेथिन स्केयर डिज़ाइन कौन सा होता है उसको भी उसकी ये फॉर्म है। ठीक है, यानी कि इसको जो है वो हम इस तरह से वर्टिकली ABC BCA और CAB इस तरह से डिज़ाइन करते, मतलब उन ब्लॉक्स के अंदर से दोबारा से फिर उनकी जो है वो ब्लॉकिंग वगैरह बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट आ जाएं तो जो लेक्चर नंबर 2 है इसमें हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ एनोवा टेबल पढ़ने हैं और सी और डिज़ाइन है हमारे पास। सबसे पहले एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की डेफिनेशन आपने एनोवा की कैन बी यूज टू टेस्ट फॉर द इक्वलिटी ऑफ 3 आर द मोर पॉपुलेशन मीन। ठीक है, ये 3 या 3 से ज़्यादा पॉपुलेशन मीन्स के लिए यूज़ होती है। आप यहाँ पे हमें जो है वो हाइपोथीसिस स्टेट करनी होती है, जो एच नॉट है वो आपका अल्टरनेट हाइपोथीसिस होता है और नेक्स्ट जो आपने H1 या HA समथिंग वो आपका जो है वो नल हाइपोथीसिस होता है। ठीक है, जो गिवन होगा वो H0 से डिनोट करना है और जो आप खुद सपोज करेंगे वो आपका H1 होगा। जो गिवन होगा उसको आप इक्वल रखेंगे और जो आप खुद से सपोज करेंगे वहाँ पे आप कहेंगे कि वो इक्वल नहीं है सब कुछ। ठीक है, ये μ1 μ2 μ3 अप टू μk तक ये पॉपुलेशन को शो करता है। देन H0, इफ H0 इज रिजेक्टेड वी कैन नॉट कंक्लूड दैट ऑल पॉपुलेशन मीन्स आर डिफरेंट। ठीक है, यानी कि अगर हम H0 को रिजेक्ट कर देते हैं तो देन क्या होता है कि हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि सारे जो पॉपुलेशन मीन्स है वो इक्वल हैं। एंड रिजेक्ट H0 मीन एटलीस्ट 2 पॉपुलेशन मीन्स हैव द डिफरेंट वैल्यूज। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं ना सारे, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको इंपॉर्टेंट है और ये जो है वो आपने याद रखना है। ऑब्जर्वेशन मस्ट बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और उसके अलावा अगर हम आगे आ जाएँ तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है बिटवीन ट्रीटमेंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन और विद इन ट्रीटमेंट, ये दो होती हैं। और यहाँ पे एफ टेस्ट अप्लाई की जाती है, जो फार्मूलाज इनको अपने लाजमी याद रख लेना है। आपके जो एग्जांपल्स हैं उनमें बेसिकली ये फार्मूलाज ही यूज़ होते हैं जिनको यूज़ करके हम जो है वो आगे एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। MSTR को किस तरह से फाइंड किया जाता है इसका फार्मूला आपने देख लेना, इसकी डेफिनेशन भी कर लेनी है। MSE मीन्स केयर एरर का क्या फार्मूला है इसको भी देख लीजिए का फार्मूला, और इसका डेफिनेशन अलग से देखनी है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे ये कुछ पॉइंट ऑफ द नल हाइपोथेसिस ट्रू एंड द नोवा अजम्पशंस आर वैलिड, द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ MSTR वैलिड बाय MSE इज एन एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद द, यहाँ पे आप एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो एफ जो फार्मूला है वो होता है MSTR डिवाइडेड बाय MSE। ठीक है, और इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है K-1 होगा, और इफ़ द मीन ऑफ द K पॉपुलेशन आर नॉट इक्वल देन जो MSTR विल बी इन्फ्लेक्टेड बिकॉज MSTR ओवर एस्टिमेट सगमा स्केयर। और अगर जो है वो H0 को हम रिजेक्ट कर देते हैं और ये MSTR यानी कि एफ जो टेस्ट है ये ज़्यादा होता है रेंडमाइज्ड फ्रॉम द अप्रोप्रिएट एफ डिस्ट्रीब्यूशन से, देन यहाँ पे देख लीजिए इसका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि अगर फ़र्ज़ करें कि जो आपकी क्रिटिकल वैल्यू है जो आप टेबल से फाइंड करते हैं वो आपकी यहाँ पे आ रही है, तो अगर जो है वो ये वैल्यू आपकी इससे राइट साइड पे आती है यहाँ पे आती है इस साइड पे, तो देन आप इसको जो है वो रिजेक्ट कर देंगे हाइपोथेसिस को। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे आपके पास इसकी वैल्यू आ गई है जी 3.4 आपकी वैल्यू आई है जो आपने क्रिटिकल वैल्यू फाइंड की है, तो आपकी जो आपने जो वैल्यू फाइंड की जो आपने टेस्ट अप्लाई किया उसकी जो वैल्यू है वो आपकी कहाँ पर आ रही है, वो आपकी वैल्यू इधर अंदर मतलब 4 point something आ रही है या 5 point something, तो इसको आप रिजेक्ट करेंगे। और अगर ये फॉल करता है इस रीजन में मतलब 3 point से इस साइड पे आता है 2.1 point या समथिंग आता है तो फिर आप इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये MSTR डिवाइडेड बाय MSE ये आपका फार्मूला है, इसको अपने याद रखना है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे दोबारा से वही फार्मूला लगाया गया और हाइपोथेसिस दिखाई गई है। पी वैल्यू अप्रोचेस ये अगर लेस देन अल्फा होंगे तो देन रिजेक्ट, और अगर ग्रेटर देन होंगी तो देन हम इसको एक्सेप्ट करते होते हैं।
एनोवा टेबल क्या है? एनोवा टेबल में डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो आपको यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। ये फैक्टर की डेफिनेशन है, ट्रीटमेंट की डेफिनेशन है, एक्सपेरिमेंटल जू नॉट कम्प्लीटेड रैंडमाइज्ड डिज़ाइन, इसके बारे में पूरी डिटेल्स लिखी हुई है, बस इसकी आप बेसिक डेफिनेशंस कर लें। CRD कम्प्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन, व्हेन द सैम्पल ऑफ एक्सपेरिमेंटल जू नॉट फॉर ईच ट्रीटमेंट आर रैंडम एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड डिज़ाइन इज यूज टू कम्पेयर द ट्रीटमेंट, इस ट्रीटमेंट्स को यूज़ करने के लिए जो है वो यूज़ की जाता है, और इसमें अब जो है वो क्या यूज़ होगी, अल्टरनेट हाइपोथेसिस एट लीस्ट टू ऑफ द ट्रीटमेंट मीन्स आर डिफरेंट। ठीक है, पीछे हमने सिंपल लिख दिया था कि कोई भी इक्वल नहीं है, और यहाँ पर अब आपने क्या लिख रहे हैं कि दो जो ट्रीटमेंट्स हैं वो क्या हैं, डिफरेंट्स होंगी। और उसके अलावा इनोवा टेबल हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ये जी आपका इनोवा टेबल है, यहाँ पे इसको आप देख लीजिए, इसमें जो फार्मूलाज यूज़ होते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रीटमेंट, और सबसे पहले आपका जो है वो सोर्स का कॉलम आता है, ट्रीटमेंट, एरर और टोटल, ये आपके एग्जांपल्स में यही यूज़ होना है। देन डिग्री ऑफ फ्रीडम DFK-1 और N-K और टोटल N-1 होता है। एंड SST डिवाइडेड बाई SSE ये आपका सम स्केयर सम ऑफ टोटल एंड स्केयर सम ऑफ एरर, जहाँ पे आप यहाँ पे लिखते हैं इनको फाइंड करेंगे, आगे हम देखेंगे इनका फार्मूला और एग्जांपल्स में। देन MST का ये फार्मूला, MSE का ये है, एंड F डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं, तो ये आपका इसका फार्मूला है। उसके अलावा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपने इसके कर लेने हैं, और जहाँ पे इसकी एग्जांपल है ये नोट से मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पे बल्कि ये सॉल्व हुई भी है तो इसको आप जहाँ से कर लीजिएगा, जिसकी दूसरी एग्जांपल है वो आई थिंक यहाँ पे सॉल्व नहीं हुई भी, तो वो फिर हम नोट से जो है वो डिस्कस कर लेंगे इसको। तो सबसे पहले इसने जो है वो हाइपोथीसिस स्टेट कर दी, H0 और H1 अल्टरनेट हाइपोथीसिस एंड नल हाइपोथीसिस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिफाइन कर दिया, अगर गिवन हो तो वेल, नहीं तो फिर आपने 0.05 रखना है। स्टेटिस्टिक जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन का हमने देखा है MST डिवाइडेड बाय MSE, तो उसके बाद ABC जो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल गिवन थी। एन एक्सपेरिमेंट वाज कंक्लूड टू कंपेयर द यील्ड ऑफ 3 वराइटीज ऑफ पोटैटोज, ईच वराइटी वॉज डिजाइंड एट द रेंडम साइज प्लॉट 4 टाइम एंड द रिजल्ट वार, यहाँ पे ABC 3 वराइटीज दी हुई हैं, और सबसे पहले यहाँ पे इसने क्या कहा है, एग्जाम्पल जो दिए जे, ठीक है, ये बेसिकली इसने एग्जांपल दी थी। और नेक्स्ट जो एग्जांपल है यहाँ पे इसने 3 फर्टिलाइजर ट्रीटमेंट दिए हैं, और यहाँ पे डिफरेंट इनकी ना वैल्यूज़ दे दी गई हैं, ठीक है, ABC की वैल्यूज़ डिफरेंट दी हुई हैं, इनको आगे हम देखते हैं कि क्या इसको हमने किस तरह से सिग्निफिकेंस इसका निकालना है। तो यहाँ पे ABC तीनों जो है वो वैल्यूज़ दी गई, इन सब का सम अप करके एंड पे यहाँ पे लिख लिया गया है। तो T1 यानी कि जो फर्स्ट सम है, जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है, उसका जो सम है वो हमारे पास क्या आया, 143, आपको यहाँ पे टेबल के नीचे ये वैल्यूज़ नज़र आ रही होंगी। देन जो T2 है उसका सम क्या नज़र आया, वो आपको 291, T3 जो है वो आपका 220, और टोटल इन सब का सम करके 655 आपके पास आ गया। अब सबसे पहले आपने टोटल सम ऑफ स्केयर निकालना है, तो उसका आपके पास फार्मूला होगा X²IJ-CF, इनके क्वेश्चन फैक्टर आपके पास आएगा, और ये किसकी इक्वल होता है, T" डिवाइडेड बाय N, और ये जो T" है इट्स मीन कि ये आपका ग्रैंड टोटल है, और वो आपके पास निकला 654, इसका स्केयर आपने लेना है डिवाइडेड बाय 21 मीन्स कि जितनी आपके पास ये 3 आपको ट्रीटमेंट दी गई, इनके अंदर जितनी भी क्लासिफिकेशन ये चूज हुई हैं वो सारी आपके पास यहाँ पे आएंगी, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। एंड टोटल SS मीन्स के सम ऑफ स्केयर, ये आप टेबल में भी फाइंड कर सकते हैं, मैं आपको टेबल बना के भी बताऊँगी, और जहाँ पे सिंपली इसने क्या किया हुआ है, सारी वैल्यूज़ को जो है वो ये 24 से लेकर 28 तक, 27 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबको क्या किया, स्केयर करके उन सबको और प्लस माइनस कर दिए, और एंड पे जो है वो इसकी ये वैल्यू निकली है, ठीक है, माइनस कोफिशिएंट फैक्टर इन सब को सम अप करके यहाँ पे इसका आंसर आएगा, वो हम टेबल से फिर देखेंगे, उस तरह से आप कीजिएगा तो ईजिली ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर इसने अलग अलग सारी चीज़ों को किया, फिर उसके बाद इनोवा टेबल हमने बनाना होता है, सम ऑफ स्केयर जो हमारा निकला है वो इसने यहाँ पर डाल दिया है, एंड देन सम ऑफ एरर जो निकला है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम K-1 एंड N-K दोनों लिख दिए, एंड N-1 कैपिटल N-1 की 21-120 आ जाएगा। यहाँ पे मेन स्केयर निकाली और रेफ्रेशो टेस्ट निकाली है, उसके बाद क्रिटिकल रीजन डिफाइन करना होता है, यहाँ पे आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम N-K एंड K-1 दोनों आपने देखने होते हैं, 0.05 पे आपने देखना है, 2.18 ये आपने इसका निकालना है, और जो इसकी वैल्यू निकलेगी वो क्या है, 24.00 इज ग्रेटर देन 3.355, तो यहाँ पे H0 जो है वो हमारी रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि ग्रेटर देन आ गई है, तो फॉल इन क्रिटिकल रीजन, सो वो रिजेक्ट आर नल हाइपोथेसिस एंड कंक्लूड दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ट्रीटमेंट इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद इसकी जो एग्जांपल हमने स्किप किए वो हम देखेंगे नोट से, पहले आपको जो हैंडआउट्स पे हैं वो दिखा देती हूँ। उसके बाद आगे रैंडमाइज्ड कंप्लीट डिज़ाइन है, इसमें भी सेम वही हाइपोथेसिस जो
फाइव स्टेप्स होते हैं वो आप देख लीजिए. सबसे पहले हाइपोथेसिस स्टेट करनी है, देन स्टेप टू में आपने क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी है, स्टेप थ्री में टेस्ट वैल्यू निकालनी है, उसके अलावा स्टेप फोर में हमने रिजेक्ट और नॉट रिजेक्ट का निकालना होता है और समराइज करना होता है टेस्ट को. ठीक है, अब मेन पॉइंट्स. एक्सपेरिमेंटल मटीरियल इज डिवाइडेड इंटू ग्रुप्स, के जो एक्सपेरिमेंटल मटीरियल है उसको ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है. तो क्यों डिवाइड किया जाता है ग्रुप्स में या फिर ब्लॉक में? बिकॉज जो मटीरियल होता है वो होमोजीनियस नहीं होता. होमोजीनियस मीन्स का सेम मटेरियल नहीं होता, दैट्स वाई हम जो मटेरियल को है वो ग्रुप्स में या ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, ईच ब्लॉक कंटेन अ कंप्लीट सेट ऑफ ट्रीटमेंट, हर एक ब्लॉक में कंप्लीट सेट ऑफ ट्रीटमेंट होता है. ट्रीटमेंट आर असाइंड रैंडमली, रैंडमाइजेशन इज रिस्ट्रिक्टेड विद इन ब्लॉक, और जो रैंडमाइजेशन है कंप्लीट रैंडमाइज डिजाइन में वो एक ब्लॉक के अंदर ही रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है. ठीक है, हाँ भाई, डिफरेंट तरह से आपको एग्जांपल दी हुई है. ये आपकी जो कंप्लीट सीआरडी था, कंप्लीट रैंडमाइज्ड डिज़ाइन वो, और ये रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन जो है वो, ये आपको वो नज़र आएगा जो भी हमने पढ़ना, और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं. यहाँ पे ये था कि हम कहीं पर भी ट्रीटमेंट को अप्लाई कर सकते थे, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा एक ब्लॉक में 1 BR है, 3 BR है, जो कलर्स के कम्बिनेशन से आप चेक कर सकते हैं. और जो ये आपके पास है रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन, इसमें एक जो ट्रीटमेंट है वो एक ही दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस बेसिकली. ठीक है, देन आगे अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे देखें, ये इसने ABCD तीन दिए हुए थे, चार पॉइंट हमें दिए हुए थे, तो हम इसको रैंडमली इनको जो है वो रख सकते हैं ACBD एक ब्लॉक में, एक दफ़ा एक ही ट्रीटमेंट आएगा. ठीक है, रिपीटिंग इसमें नहीं होती है. उसके बाद स्टैटिस्टिकल मॉडल जो यूज़ होता है, लीनियर मॉडल फॉर दिस डिज़ाइन, इसकी बेसिक जो ये स्टेटमेंट है ना, ये आपने ये लाजमी कर लेनी है क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकती है. ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट अगर जाएं तो डाटा कंप्यूटेशन पे, यहाँ पे थोड़ा रफली सा ये नहीं था लिखा हुआ, तो मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आती हैं. यहाँ पे आपके पास आएगा जिस तरह से हम मैथ में जो हमारे पास वो बाइनरी ऑपरेशन वाला टेबल होता था ना, सेम इसी तरह से यहाँ पे इसको हमने लेना है. जैसे कि यहाँ पे इसने लिया y11 y12 एंड अप टू सोन, जो हम y1k तक लेंगे. ठीक है, यानी कि फर्स्ट ये वाली आपकी रो आ जाएगी, साथ में ये कॉलम आ जाएगा. ठीक है, इसी तरह से आगे जो है वो फर्स्ट रो आ जाएगी, सेकंड कॉलम आ जाएगा, y12 y13 अप टू सोन, इसी तरह से चलता रहेगा. फिर इसी तरह से y जो है वो आ जाएगा, y21 आ जाएगा, y22 आ जाएगा, y23 अप टू y2k तक जाएगा, और इसी तरह से r1 r2 अप टू rk तक ये टर्म्स जाएंगे. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे t.1 यानी कि ये जो पूरा कॉलम है, इस पूरे कॉलम का आपके पास जो है वो सम आ जाएगा, पूरे कॉलम का सम आ जाएगा. देन मीन जो है वो निकालेंगे, इन सब का सम अप करके इनके नंबर यानी कि टोटल n के ऊपर डिवाइड करेंगे, वो आपका मीन आ जाएगा. फिर इसी तरह से यहाँ पे टोटल B1 यानी कि ब्लॉक्स का सम, इस तरह से आप जो है वो इन सब का सम करेंगे तो B1 डॉट आ जाएगा. और इसी तरह से इन सब का जब आप मीन फाइंड करेंगे तो इस तरह से आप सबको सम अप करेंगे और इनके टोटल जो n होगा उसके ऊपर डिवाइड करेंगे, तो आपके पास यहाँ से मीन निकल आएगा. ठीक है, उसके बाद टोटल एसएस का जो फार्मूला है वो यहाँ पे दिया हुआ है. ये ज़रा डिफ़िकल्ट सा है, जब आप इसको यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे ना एग्जांपल में, तो आपको मज़ीद जो है वो अच्छे से समझा दूँगी. ठीक है, यहाँ पे जो सोर्स ऑफ वेरिएशन है, जहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका नोवा टेबल है, इस तरह से आप अपने डाटा को फिर समराइज़ करते हैं यहाँ पे आके. वेरिएशन ड्यू टू ट्रीटमेंट एंड वेरिएशन ड्यू टू ब्लॉक्स, वेरिएशन ड्यू टू एरर, ये तीन आपके आते हैं. वेरिएशन ड्यू टू ट्रीटमेंट्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम k-1, ब्लॉक्स का r-1, एंड वेरिएशन ड्यू टू एरर जो r-1 और k-1 जो दोनों डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होता है. एंड टोटल rk यानी कि r को k के साथ इनके टोटल जो ब्लॉक्स हैं उनकी टोटल अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देना है, जो आपकी टोटल नंबर्स आते हैं जो जितनी आपके पास वो एक्टिविटीज़ यूज़ हो रही है उनके साथ, और -1 कर देना होता है. देन सम ऑफ स्केयर SST आपका आ जाएगा, SSB ये इन दोनों का फार्मूला है, यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ आर सम ऑफ जे इनटू वाई बार डॉट जे. ठीक है, यानी कि डॉट जे जो है वो आपका ब्लॉक के लिए, और जे डॉट जो है वो आपका जो होगा वो आपका कॉलम के लिए होगा, वराइटीज़ के लिए होगा, ट्रीटमेंट के लिए होगा. ठीक है, इनको हम एग्जांपल से देखेंगे. यहाँ पे दो टेस्ट आपको अप्लाई करने होते हैं, एक फॉर ब्लॉक के लिए और एक फॉर ट्रीटमेंट के लिए. ये आपके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे, ये आपका ब्लॉक के लिए यूज़ होगा, ये जो है आपका ब्लॉक के लिए यूज़ होगा, और ये आप सॉरी ये ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होगा, और ये आपका ब्लॉक के लिए यूज़ होगा, ये ट्रीटमेंट के लिए, ये ब्लॉक के लिए, ये दोनों आपका फार्मूलाज हैं. ये आप जब करेंगे ना, आपको मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगी, तो ये आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें याद हो जाएंगी. उसके बाद इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, ये सॉल्व हुई है तो इसको हम इधर ही कर लेते हैं. फोर वराइटीज़ ऑफ द वीट आर टेस्टेड इन द रैंडमाइज्ड कंप्लीट क्लॉक डिज़ाइन. यहाँ पर वैसे ब्लॉक डिज़ाइन होना चाहिए, ब्लॉक डिज़ाइन इन फोर एप्लीकेशन ब्लॉक, जेल्ड इन KG
और जहाँ पे टेस्ट हाइपोथीसिस हमने करना है कि नो डिफरेंस इन द मीन ऑफ द फोर ट्रीटमेंट, ठीक है। यहाँ पे ट्रीटमेंट्स दी हुई हैं V1, V2, V3 और V4, फोर ब्लॉक्स दी हुई हैं, फोर ट्रीटमेंट्स दी हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया एच नॉट टी जे इक्वल टू जीरो, नो डिफरेंस इन द मीन ऑफ फोर वैरायटी। और जो हमने अल्टरनेट हाइपोथीसिस ट्रीट की है वो हमने क्या दिया है कि वो हमारी क्या है कि वो नॉट इक्वल टू है, यानी कि उनमें कोई डिफरेंस नहीं है ट्रीटमेंट के लिए भी और ब्लॉक के लिए भी। चार हमारी जो है वो हाइपोथीसिस यहाँ पे स्टेट हो जाएंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ जाएगा। और टेस्ट हाइपोथीसिस जो आपके पास यूज़ होगा ट्रीटमेंट के लिए वो अलग है, और जो आपका ब्लॉक्स के लिए यूज़ होगा वो आपका अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसको मैंने फिलअप कर दिया था इधर ही टेबल पे ही, जो गिवन था उसी में कर दिया था। यहाँ पे वैराइटीज़ और ट्रीटमेंट जो आपके पास ब्लॉक दिया हुआ था ना ऊपर, जो गिवन था डाटा, उसी को सिंपली यहाँ पे उठा के हमने लिखा वैराइटीज़ के लिए भी और ट्रीटमेंट के लिए भी। ब्लॉक वन का डाटा ब्लॉक वन में आ जाएगा, ब्लॉक टू का ब्लॉक टू में, ब्लॉक थ्री में, फोर का फोर में। यहाँ पर आपने क्या करना है, ब्लॉक का टोटल कर लेना है, यानी कि इस तरह से जैसे हमने देखा था ब्लॉक का टोटल किया था तो इक्वल टू 12 आ जाएगा। फिर जो ब्लॉक का टोटल आया उसका स्केयर कर लेना है और एंड पे सम ऑफ स्केयर ऑफ ईच वैल्यू, यानी कि इन सब का इसी तरह से इसी लाइन में आपने इधर ही चलना है आगे। तो 2 का स्केयर प्लस 5 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर, तो वो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 46 आ जाएगा। सेम इसी तरह से इसकी कैलकुलेशंस भी कर लेनी है, ये भी कैलकुलेशंस हो जाएंगी और ये भी कैलकुलेशन, ये होगी आपकी ब्लॉक्स की कैलकुलेशन। उसके बाद आपने जब कॉलम में चलना है तो फिर इसी तरह से वैराइटीज टोटल या ट्रीटमेंट टोटल भी आप इसको कह सकते हैं। फिर आपने इस तरह से पहले सबका सम अप करना है, फिर इस तरह से इन सब वैल्यूज़ को सम करेंगे तो वो आपके पास ये वैल्यूज़ आएंगी। फिर जब इनका स्केयर अप करेंगे, यानी कि सम ऑफ स्केयर अप करेंगे, तो देन आपके पास क्या आ जाएगा, ये सिंपली आप ये जो आपने वैराइटीज़ टोटल निकाला है इन्हीं का जस्ट स्केयर अप ले कि यहाँ पे ये वाला कॉलम आपका फेल हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो अब आपने क्या करना है, जो आपका चेक पॉइंट होता है यहाँ पर अब आपने चेक कर लेना है, ठीक है। सम ऑफ स्केयर ऑफ ईच वैल्यू भी जो है वो हो जाएगा, वो इसी तरह से ये जो आपकी वैल्यूज़ है ना इन आपको सम स्केयर करके, जिस तरह से ये हमने रो के लिए किया था इसी तरह से आप कॉलम के लिए भी करके सम ऑफ स्केयर ऑफ ईच वैल्यू भी हमारा आ जाएगा। अब जो मेन पॉइंट है जो चेक करने वाला है वो ये कि जब आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे ना, इधर से ब्लॉक का भी कर लें और इधर से वैराइटीज़ का भी कर लें, ट्रीटमेंट का भी कर लें, तो यहाँ पर जो वैल्यू आनी चाहिए वो सेम आनी चाहिए। ये वैल्यू कहाँ से आई है, जो आपने 9 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 7 किया तो हमारे पास 49 है। इसी तरह से यहाँ से हमने 12, 9, 18 और 10 को ऐड किया तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, 49 है। यहाँ पे अगर आपके पास सेम वैल्यू आ जाती है इतना करने के बाद, तो आप समझे कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो रहा है, मतलब ठीक हो रहा है। अगर जहाँ पे कोई गड़बड़ आती है, यहाँ पे वैल्यू सेम नहीं आती, तो इट्स मीन कि आपने कोई गलती कर दी है, आपने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक की है या कहीं पर भी मिस्टेक की, दोबारा से इधर से ही अपने पॉइंट्स को चेक कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा पूरा करने के बाद एग्जाम में फिर टाइम इतना नहीं होता कि दोबारा से हम एक चीज़ को पूरा रिमूव करके करें, तो सिंपली आपने पहले क्या करना, आपने ब्लॉक का भी सम ले लेना है, आपने वैराइटीज का ट्रीटमेंट का भी सम ले लेना है, इनके रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी। सम लेने के बाद इन सबको ना फुल सम करके चेक कर लेना, अगर तो यहाँ पे सेम वैल्यू आ रही है तो देन आपने फर्दर सॉल्व करना है, अदरवाइज इसी को पहले करेक्ट करें देन आगे सॉल्व करें। उसके बाद जब आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो फिर आपके पास एक चेक पॉइंट आएगा कि जो सम ऑफ स्केयर ऑफ ईच वैल्यू है ये भी आपका इक्वल आएगा। आप इस तरह से भी जो अपने कॉलम का सम अप करके लिखा है वो भी, और जो अपने रोज का सम अप करके लिखा है वो भी यहाँ पे सेम आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 191 आया है, यहाँ पे हमने इनको भी सम अप किया तब भी 191 है, जो इस साइड पे रो थी उसको भी सम अप किया तो 191। इट्स मीन कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो रहा है। अब हम इसको आगे मजीद फार्मूलाज लगा के सॉल्व कर सकते हैं। देन हम सम ऑफ स्केयर ऑफ ट्रीटमेंट लिया गया है, सम समिशन डबल समिशन ऑफ वाई माइनस टी डबल डॉट, ठीक है, ये जहाँ पे बॉक्सेस से बनने में ये डबल डॉट है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय एन। अब सिंपली आप जो है ना ये जो चीज़ है इसको बेशक आप मत लिखिए, ठीक है। सिंपल ये जो चीज़ है ना इसकी जगह पे आपका आएगा जो आपने ग्रैंड सम लिया है दोनों दोनों का, सम ऑफ स्केयर ऑफ ईच जो वैल्यू लिया ना वो आपका आएगा यहाँ पे 191 माइनस ये जो आपकी चीज़ है, ये जो आपका सेम चीज़ आई थी यहाँ पे, यानी कि दोनों सेम जो वैल्यूज हमारी आई थी वो आपने यूज़ करनी है सम ऑफ स्केयर फॉर इसके लिए। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 49 का स्केयर आ जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल जो नंबर्स हैं, टोटल जो इसमें एप्लीकेशन है, यानी कि फोर ब्लॉक्स हैं, फोर ट्रीटमेंट है, तो इन सबको एक तो सिंपल चीज़ है कि इन सबको आप जो है वो एडअप कर लें, तो फोर मल्टीप्लाई कर लें तो 4 4 16 हो जाएगा। अगर नहीं समझ लगती तो सिंपल क्या है, इनको सबको काउंट कर लें, जितनी ये सारी वैल्यूज आएंगी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी, तो वो आपने यहाँ पर लगा देनी है। सिंपल आपके कैलकुलेशन है तो वो आपकी हो जाएंगी। देन ये जो चीज़ है ना ये इसको स्किप कर दीजिए, ये यहाँ पे नहीं इंक्लूडेड, ठीक है। तो आगे चले तो अगले कंपटीशन हमारे पास आती हैं SSTR की, ठीक है, टी स्केयर ओवर आर माइनस टी डबल डॉट ओवर एन, ठीक है। फिर ये जो टी डबल डॉट ओवर एन है ना इसको अब आपने भूलना नहीं है, जो आपका सबसे पहले ब्लॉक का और वैराइटीज़ का टोटल हुआ था वो, और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर, ठीक है, एन
आपका जाएगा। अब ये जो टी स्केयर है ये क्या है, जो आपका वराइटीज़ का स्केयर आपने किया था, ये जो चीज़ आपने की थी वराइटीज़ का स्केयर किया था, इनका सम अप करना है जो आपने, वो आपका आ जाएगा टी का स्केयर। ठीक है, 697। ये सारी कैलकुलेशन आपने पहले ही टेबल में कर लेनी है। ठीक है, पहले टेबल में कर ली होंगी तो फिर आगे आपको आसानी होगी, जस्ट आपने फार्मूला लगाते जाना है, पुट करते जाना और आपकी वैल्यूज आती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे टी स्केयर ओवर आर, आर मतलब के टोटल ब्लॉक्स, तो फोर ब्लॉक्स थे तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया 679 डिवाइडेड बाई 4 माइनस टी डबल डॉट का स्केयर, यानी कि 49 का स्केयर डिवाइडेड बाई 16, बाकी कैलकुलेशन है। देन सम ऑफ स्केयर ऑफ ब्लॉक्स हम कैसे फाइंड करेंगे, बी स्केयर ओवर आर, जो हमने बी स्केयर फाइंड किया था, जो ब्लॉक्स का हमने टोटल लिया था, ये जो हमारा जो ब्लॉक्स थे ना यहाँ पे, ये जो हमारे ब्लॉक्स थे ना ये वाले, इसका हमने जो है ना वो सम अप कर लेना है। ये इधर मैं लिखना भूल गई हूँ, यहाँ पे जो है वो आपका ब्लॉक्स का सम आ जाएगा। इसको बेशक आप यहाँ पे मेंशन पहले ही कर दीजिएगा ताकि दोबारा से आपको कैलकुलेशंस में कोई परेशानी ना हो। तो ब्लॉक्स का स्केयर माइनस फिर वही 49 और 16 इनका स्केयर और सब का जो एस एस सी सम ऑफ स्केयर ऑफ एरर है, वो इन तीनों को माइनस करने से आपका आएगा। वैसे तो ये होता है एस एस टी जो है वो उसकी इक्वल होता है, इन सब का सम अप होता है, तो जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो सिंपल ये चीज़ें आ जाएंगी। तो बस आप उसको भूल जाइए, बस सिर्फ ये याद रखिए कि एस एस सी फाइंड करने के लिए इन तीनों को माइनस कर देने जो अभी फाइंड किया, तो आपका एस एस सी आ जाएगा। फिर बात आती है आपके इनोवा टेबल की, इनोवा टेबल में आप यहाँ पर आ जाइए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने लिख लेना है 4-1, यानी कि के माइनस वन एंड आर माइनस वन, ब्लॉक्स भी 4 हैं और ट्रीटमेंट भी 4 हैं, तो सिंपल यहाँ पे 4-1 आया इस एग्जाम्पल में। एंड वेरिएशन ड्यू टू एरर आपने लिखा था कि इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आपका आ जाएगा, वो आपका 9 आ गया। देन सम ऑफ स्केयर आपने फाइंड कर लिया हुआ है, एस एस ई बी, एस एस बी बी एंड एस एस टी आर बी, वो तीनों आपने यहाँ पे लिख देने हैं। मीन स्केयर आपका किस तरह से निकलेगा, जो आपके ये सम आए हैं ना, इनको आपने सिंपली डिवाइड कर देना है इसके सामने वाले डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, 19.69 डिवाइडेड बाई 3 आपके पास ये आ जाएगा। फिर इस तरह से ब्लॉक्स के लिए आप ब्लॉक्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम पे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, एंड सिंपली जो वेरिएशन ड्यू टू एरर है इसको आप इस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद आपके जो टेस्ट है उसमें क्या होगा कि अगर आपको फार्मूला नहीं याद तो भूल जाइए, फार्मूला को छोड़े, जस्ट आपकी ये जो वैल्यू आई है ना यहाँ पे एस एस टी आर की, डिवाइड कर दें इसको जो आपके यहाँ पे एरर की वैल्यू आई है उसके ऊपर। ठीक है, 656 डिवाइडेड बाई 1.091 डिवाइड करेंगे तो आपके यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए, और इसी तरह से जो इसके सामने उसको डिवाइड कर देंगे इसके एरर पे, तो यहाँ पे इसकी एफ टेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। देन टोटल जो है वो आपका कहाँ से निकलेगा, ब्लॉक्स को मल्टीप्लाई करना है ट्रीटमेंट के साथ, एंड माइनस वन, फोर फोर जो 16 माइनस, यानी कि आर के माइनस वन था ना, तो 4×4 मल्टीप्लाई माइनस वन डिवाइड आपका 15 आ जाएगा। इन सब का सम अप करेंगे तो 40.96, ये वैसे यूज़ नहीं होगा 40.96, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अब जो बात आती है कि आपने इसकी वैल्यूज़, ये जो टेबल है, एफ टेबल है, इसको आपने किस तरह से यूज़ करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इशू होता है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपने ना दो चीज़ें जो हैं वो देखनी होती हैं जो इसका टेबल होता है। सबसे पहले तो आपका जो टेबल है वो जिस लेवल जो होना चाहिए वो उसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05, अगर जो क्वेश्चन में गिवन है उसके मुताबिक हमने जो उसके 0.05, तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे जो ये आपका टेबल है वो क्या है, सॉरी 0.05 का ही टेबल है। ठीक है, ये आपका होना चाहिए। उसके अलावा फिर आप अपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर्स की डिग्रीज को देखना होता है। ठीक है, तो सिंपल हम देखते हैं कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ये जो इसके ऊपर लाइन लगी हुई है, मैंने किसी और एग्जांपल की लगाई थी बेसिकली, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी डिग्रीज कौन कौन सी है। यहाँ पर हमारे पास हमने देखना है कि सबसे पहले आप अगर ट्रीटमेंट के लिए देखें तो 3 और 9 यूज़ होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ से आपने 3 पे जाना है, जो आपका यहाँ पे आएगा न्यूमिनेटर में ये आपका 3 आएगा, और इधर से आपने 9 वाले टेबल में जाना है, ये 9 की इन दोनों की इक्वल में जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्रिटिकल वैल्यू होगी। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए हो गया, और इसी तरह से ब्लॉक के लिए इधर से आपका यहाँ पे तो बेसिकली सेम ही है, 3 और 9 दोनों का जो है वो यूज़ करेंगे हम, तो बाकी अगले एग्जांपल हैं उनके लिए हम फिर देख लेंगे कि किस तरह से हमने इसको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आई है, 3.86 ही आई है फॉर ट्रीटमेंट के लिए और ब्लॉक्स के लिए। ट्रीटमेंट के लिए 3.86 यही हमने देखी 3 और 9 में, तो 6.56 जो है वो हमारी ग्रेटर देन है 3.86 से, तो ये ग्रेटर देन है तो इट्स मीन के ये क्रिटिकल रीजन में फॉल करती है, तो हम अपने रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को। और जब ब्लॉक्स के लिए हमने देखा तो वो भी हमारे पास 3.86 ही आई है, क्योंकि इन दोनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम आई थी, दैट्स वाई।
तो ये भी आपकी क्या है, ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे हम जो है वो इसको रिजेक्ट कर देंगे अपने नल हाइपोथेसिस को। तो हम कह देंगे कि ब्लॉकिंग और ग्रुपिंग जो है वो इफेक्टिव है। तो आई होप सो कि इस एग्जांपल से आपको काफ़ी कुछ आइडिया हो गया होगा। जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो मैंने नोट्स पे सॉल्व कर ली हुई है, बिल्कुल सेम यही तरीका है, यही मेथड है। आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी और दिखा भी दूँगी एंड पे जो है वो किस तरह से आपने वहाँ से कर लेना है, ठीक है। एंड ओवर टेबल वगैरह भी इसी तरह से बनाना है। इसके एडवांटेजेस जो है वो डिसएडवांटेजेस ये अब आपने देख लेने हैं, ठीक है। इसकी समरी में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद जो लेक्चर नंबर 4 है, RCBD विद द रेप्लीकेशन विद इन द ब्लॉक्स। अब हमने रेप्लीकेट करना है विद इन ब्लॉक्स के अंदर ही, अपना जो हमारा होगा ना ब्लॉक्स हमने बनाना है उसके अंदर ही हमने रेप्लीकेशन करनी है। सिंपल यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ जो है वो ऐड होगी, वो ऐड क्या होगी कि इसको छोड़ दें, यहाँ पे जो बेसिक फार्मूला है हम उसके ऊपर चलते हैं, ये इसकी सारी कैलकुलेशंस हुई हुई हैं, ये चीज़ हमने करनी है। फार्मूला इन जनरल में भी रिटन, एक्स इज इक्वल टू आर बी प्लस के टी माइनस जी डिवाइडेड बाई के माइनस वन एंड आर माइनस वन, ठीक है। ये करने वाली चीज़ है, ये फार्मूला आपने जनरल याद रखना है। इसमें ये जो सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं उनके बारे में जस्ट आपने रीड आउट कर ले रहे हैं और इसकी एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे हमें एक अननोन वैल्यू दी गई होगी, उस अननोन की वैल्यू को सबसे पहले हमने फाइंड करना होगा और फिर हमने आगे फर्दर जो है ना वो एग्जांपल्स को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे अननोन वैल्यूज़ को किस तरह से फाइंड करेंगे, ये जो हमें जनरल फार्मूला दिया हुआ है इस फार्मूला को हमने यूज़ करना है। आर बी प्लस के टी माइनस जी डिवाइडेड बाई के माइनस वन आर माइनस वन, आर इक्वल टू बी थ्री है और के इक्वल टू बी थ्री, कैसे, यहाँ पे देखिए ट्रीटमेंट भी 3 है और ब्लॉक्स भी 3 है, ए बी सी और ब्लॉक्स भी कितने हैं 3, तो दैट्स वाई यहाँ पे आर और के की वैल्यू जो है वो हमारे पास सेम है। देन बी आपका कैसे निकलेगा, जो आपकी अननोन वैल्यू होगी ना, जबकि अननोन होगी तो ब्लॉक्स के हिसाब से इधर से उन दोनों को सम कर देंगे तो आपका ये निकल आएगा बी की वैल्यू। और कॉलम के लिए जब इसको आप लेंगे तो आपका 15 प्लस 14 जब होगा तो वो आपके पास जो है वो टी की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। इस तरह से आपकी ये वैल्यूज़ निकलेंगी और जी की वैल्यू जो है इन दोनों को आप सम कर देंगे, ब्लॉक्स को ट्रीटमेंट को, तो आपके पास जी मतलब ग्रैंड टोटल, तो वो आपके पास आ जाएगी 87। तो सिंपल इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से आपके पास ना एक्स की वैल्यू, जब एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो फिर आपका ये जो टेबल है ना इसमें आपने एक्स की वैल्यू पुट करनी है। बाकी सेम वही तरीका है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे अब पीछे एग्जाम्पल मैंने इतनी डिटेल से आपको समझाई है उसी तरीके से आपने ये सॉल्व करना है। बस सिंपल सी ये चीज़ें थी 3-4 जो हमने इसमें ऐड अप करनी थी और बाकी सेम वही तरीका है। इसमें हमने वही F1 और F2 यानी कि F फॉर ट्रीटमेंट एंड F फॉर ब्लॉक जो है वही फार्मूला लगाना है। इसमें वही हाइपोथेसिस यूज़ करनी है फॉर ब्लॉक के लिए और फॉर ट्रीटमेंट्स के लिए। इसके अलावा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेम वही 0.05 लेना है, अगर नहीं है गिवन तो गिवन है तो वेल एंड गुड वो लगा लें। बाकी इसमें जो है वही TSS हमने फाइंड करना है, टोटल सम, उसके अलावा ब्लॉक्स का सम फाइंड करना है, डिग्री वो एरर फाइंड करना है, सेम वही जो है ना वो फार्मूला जिसमें यूज़ हुए। तो ये मैंने डिटेल से यहाँ पे तो बस शॉर्ट सी दी हुई है हैंडआउट्स पे, ये मैंने सॉल्व कर दी हुई है, वो मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ ताकि कोई भी इसमें कन्फ्यूजन हो ना तो वो आपको क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट जो है वो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आपके पास एक फार्मूला है RCB और माइनस CR, ठीक है। रेप्लिकेशंस के लिए आपका ये फार्मूला है, इसको अपने देख लेना, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो आपकी एग्जांपल है इसकी, इसको जो है वो सॉल्व करने का भी सेम ही प्रोसीजर है, इसको भी मैं आपको दिखा दूंगी। ये Y2A लिखा हुआ, इसे घबराना नहीं है, ये वो इसकी जगह पे आप XY भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका वही मतलब है, यानी कि एक अननोन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये जो है ना इसको येट्स मैथड कहते हैं, ये जो फार्मूला हमने देखा था ना उसको येट्स मैथड कहते हैं, ठीक है। तो बाकी इसमें भी वही आपने हाइपोथेसिस स्टेट करनी है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज़ करना है, कैलकुलेशंस करनी है। नोवा टेबल में जस्ट एक चीज़ ऐड होगी, आर माइनस वन एंड के माइनस वन आर माइनस वन हो जाएगा, जो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है ना वो। देन ये इसने बस सिंपल सी एंड्स दी हुई कि ये आपकी वैल्यूज़ आनी चाहिए, तो हमारी यही आई थी, मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया हुआ है। और उसके अलावा यहाँ पे ये जो है ना हमारे पास, ये सिंपल आपको एक पूरा बना के दिया जाएगा, इसमें आपने ये फार्मूला लगाना है जो अभी हमने देखा था, अभी फार्मूला जो मैंने आपको दिखाया था वो RE वाला, ठीक है। एस्टिमेटेड MSE फॉर ये आपको पता है मीन स्केयर आप किस तरह से निकालते थे, ये जो आपका था मैंने आपको बताया था, इसको आप डिवाइड कर देंगे इस पे, तो इन सब का जो है वो आपका मीन स्केयर निकल आएगा। फिर सिंपली आपने इसमें वैल्यूज़ को पुट करने और जहाँ पे इसका जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा कैलकुलेशंस करने के बाद, ठीक है। यहाँ पे भी वही मीन स्क्वायर निकालना है और नीचे वही फार्मूला यूज़ करना है। सिंपल ये शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, इसको अपने लाजमी कर लेना है।
अच्छा, तो ये जो है वो आपकी एग्जांपल हैं जो मैंने आपको बोला कि मैं आपको नोट से दिखाती हूँ, तो ये एग्जांपल्स भी सॉल्व कर ली गई हैं। सिंपल वही तरीका है, वही मेथड है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो इसकी एक एग्जांपल थी लेक्चर नंबर 2 की, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसके जो फार्मूलाज वगैरह थे वो तो हमने डिस्कस कर लिए थे, अपने हैंड आउट से देख ली थी कि जो सारे फार्मूलाज हमारे इसमें यूज़ होंगे टोटल ट्रीटमेंट के लिए और एसएस के लिए। इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हमने देख लिया था, टेस्ट हाइपोथीसिस जो जो हमारे यूज़ होने हैं वो भी हमने देख लिए थे फॉर ट्रीटमेंट के लिए और फॉर ब्लॉक्स के लिए भी। और इसके अलावा हाइपोथीसिस जो है उसमें दो चीज़ें होंगी कि इसमें मीन आपने लिखना है, म्यू ए इक्वल टू म्यू बी और म्यू सी सारे इक्वल होंगे। और जो आपका अल्टरनेट हाइपोथीसिस होगा उसमें क्या होगा कि ये सारे इक्वल नहीं होंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका आ जाएगा और देन टेस्ट स्टैटिस्टिक में क्या होगा एम एस ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाई एम एस एरर आ जाएगा। तो इसकी जो एग्जाम्पल है, इसका जो टेबल है वो मैं आपको दिखा देती हूँ जो आपने इसका टेबल बनाना है। इनोवा टेबल हम देख चुके थे अपने हैंडआउट से जो मैंने आपको बताया था कि सारे फार्मूलाज जो उसमें यूज़ हो रहे थे। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास इसका जो डाटा गिवन था उसके मुताबिक हमने क्या करना था, आपको डाटा भी मैंने दिखाया था, ए बी सी जो है उसकी वैल्यूज़ को ना उसका स्केयर करना था। यहाँ पे साथ ही मैंने स्केयर कर लिया हुआ है और यहाँ पे जो सम ऑफ जे एक्स आई जे है ना, ये इन सब के स्केयर्स का सम हमने यहाँ पे बना के लिख दिया है। बस सिंपल सी यही चीज़ें हमने की है, इसको साथ ही हमने सम कर लिया। दूसरा टेबल है उसमें हम अलग से करते थे, तो ये भी ईजी है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और टी डॉट जे जो है वो क्या है, जहाँ पे जस्ट ये जो आपकी वैल्यूज़ है ना 23 26 20 और 17 इन सब का स्केयर है, और ये जो आपका है ये आपका इसका जो है वो दोबारा से स्केयर रूट लिया गया है वो आपका स्केयर है। और जहाँ पे भी सेम इनका स्केयर ये है, और ये जो इसका स्केयर है ये आपका 237 आया है। और यहाँ पे जो है ये आपका इक्वल आना चाहिए इन दोनों के सम ऑफ एक्स आई जे का होल स्केयर, यानी कि इन सब का स्केयर लेके इनका सम किया गया है तो 894 आया। और जिस तरह से यहाँ पे हमने किया है इन सब का स्केयर लेके इस तरह से हमने सम किया, और जहाँ पे स्केयर लिए हुए तो इस तरह से इन जो स्केयर लिए हुए ना इन सब का जो सम है वो जब हम इस तरह कॉलम वाइज करेंगे तो आपका ये यहाँ पे आ जाएगा 453। इन सब का फिर सम कर लिए, दोनों साइड पर सम इक्वल आया है तो मीन्स कि हमारी कैलकुलेशन ठीक है। बाकी अब आगे कैलकुलेशन हैं जो फार्मूलाज यूज करके हमने कैलकुलेशन करनी है, कोफिशिएंट फैक्टर हमने निकाले हैं। 237 जो है वो आपका यूज़ होगा जो हमने डिस्कस कर लिया था कि जब हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे और जहाँ पे हमारे पास आएगा 237, ठीक है। और जहाँ पे ये जो सम है ये हमारे पास ना यहाँ पे जो मुझे खाली जगह है हमारे पास सिंपली इन वैल्यूज का सम है 23 18 16, इनका सम लेके वो भी टोटल 237 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, और बाकी ये स्केयर का मैंने आपको बता दिया है। और आगे कोफिशिएंट फैक्टर का वही टी स्केयर ओवर एन जो 237 ओवर 12 जो हमने हैंडआउट से देखा था ना, वही चीज़ यहाँ पे यूज़ हो रही है। ब्लॉक्स का और ट्रीटमेंट्स का जो सम है उसका स्केयर डिवाइडेड बाई 12, और ये आपका कोफिशिएंट फैक्टर यहाँ से आ जाएगा। देन जो है वो हमारे पास क्या है, टोटल सम ऑफ स्केयर हम निकालेंगे, टी एस एस इज इक्वल टू सम ऑफ बोथ का सम लेके जो हमारा ग्रैंड सम निकला है, टोटल सब का सम निकला है 4953, यानी कि सम ऑफ स्केयर ऑफ ईच वैल्यू जो हम निकाला है वो माइनस जो कोएफिशिएंट फैक्टर हमारा निकला है वो, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे टी एस एस आ जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा जो एस एस ट्रीटमेंट है वो आपका कैसे निकलेगा, एस एस टी यहाँ पे डिवाइडेड बाई इसको आर से करना है, सम ऑफ जो टोटल सम निकले ना उसको डिवाइड कर देना आर से, यानी कि जितने ब्लॉक्स हैं उससे डिवाइड करने, माइनस इसका जो फैक्टर है उसे माइनस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। और जो एस एस एरर है वो आपका एस एस ई जो है मीन्स के टी एस एस माइनस एस एस टी, क्योंकि यहाँ पे दो ही चीज़ें हमने फाइंड की तो उन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। एम एस जो ट्रीटमेंट है वो आपका एम एस ई जो है मीन्स के वो कैसे निकलेगा, इनके एस एस टी डिवाइडेड बाई डी एफ इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो वो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3-1 जो है वो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ये एस एस टी जो अभी हमने निकाला था 54.50 ये हमारा, और इसको डिवाइड करेंगे सिंपल आपकी ये कैलकुलेशंस आ जाएंगी। और इसके बाद जो है वो हमने इसका इनोवा टेबल क्रिएट करना होता है तो वो भी हमने बना लिया हुआ है, ठीक है। इसकी जो बेसिक थीम था वो मैंने आपको दिखा दी थी, वो एंड्रॉइड से आप इसको कंपेयर कर लीजिएगा। सिंपल वही चीज़ें हमने यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका निकाला है, सम ऑफ स्केयर जो हमने निकाले हैं वो पुट कर दिया, मीन स्केयर जो है वो हमने किस तरह से मैंने आपको बताया था इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका मीन स्केयर निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटेड एफ जो है वो जो एम एस टी डिवाइडेड बाई एम एस सी उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो यहाँ पे मीन्स इसको आपने इस पर डिवाइड कर देना है, एक ही निकालना है तो 1.13 आ गया। फिर क्रिटिकल रीजन आपने डिफाइन कर देना है, यहाँ पे आपने जो डिग्री है इसकी वो फाइंड कर लेनी, डिग्री ऑफ फ्रीडम के माइनस वन आ जाएगा, 3-1 इक्वल टू 2 एंड एन माइनस के जो है वो आपका आ जाएगा 12 टोटल एन, यानी कि जितने आपके ट्रीटमेंट्स चूज हुए हैं वो
एंड माइनस के जो है वो आपके जितने ट्रीटमेंट हैं ए बी सी वो आपका यहाँ पे 12 - 3 = 9 ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और 0.05 और 29 पे जब इसको आप देखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 4.26। ये वैल्यू भी देखना मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। और कंक्लूजन में आप लिख देंगे अगर ये ग्रेटर देन वैल्यू आती है तो देन जो है वो आपका क्रिटिकल रीजन में फॉल ये नहीं करेगा। एफ इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एफ दिस 4.26 है। तो यहाँ पे बेसिकली जो है ना हमारे पास जो हमने कम वैल्यू निकाली है वो हमारी लेस देन आएगी यानी कि वो हमारे पास क्या है 1.13 है। तो बाय मिस्टेक यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आ गया, यहाँ पे लेस देन आएगा तो फिर हम जो है वो इसको एक्सेप्ट करेंगे, हम इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो ये सिंपल सी आपकी कैलकुलेशन थी जो लेक्चर नंबर 2 है उसके एग्जाम्पल की। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 था इसकी एग्जांपल ऑलरेडी मैं डिटेल से आपको बता दी थी लेकिन फिर भी जो नेक्स्ट एग्जांपल थी जो उस पर अनसॉल्व थी उसको मैंने सॉल्व किया है तो वो भी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन था वो आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ और जहाँ पे जो एग्जांपल ये दी हुई थी ये सॉल्व नहीं थी तो इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा देखने में आपको ये टेबल डिफिकल्ट सा लग रहा होगा बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल आपने क्या करना है, सबसे पहले इनकी जो ये वैल्यूज है ना इनको एक तरतीब से लिखना है कि V1, V2, V3 और V4 यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है। यहाँ पे क्योंकि 5 ब्लॉक्स थे और 4 ट्रीटमेंट्स थे तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ पे जो वैल्यूज है ना वो सारी A की वैल्यू आएंगी जो आपका A इनकी सारे जो आपके है ना ब्लॉक्स उन सब में जो A की वैल्यू वो यहाँ पे आ जाएंगी, B की यहाँ पे, C की यहाँ पे और D की यहाँ पे आ जाएंगी ठीक है। A, B, C, D तीनों हुए थे और यहाँ पे ब्लॉक्स जो है वो 5 है। तो अगर ब्लॉक्स वाइज देखें तो इस तरह से आपने पांचों ब्लॉक्स की वैल्यूज को लिख देना है तो वो आपकी सिंपली तरतीब से यहाँ पे आ जाएगी ए की, बी की, सी की और डी की ठीक है। उसके बाद इनका स्केयर ले लेना है, सम ले लेना है, फिर इसका स्केयर, फिर सम ऑफ स्केयर ऑफ ईच वैल्यू यानी कि हर एक का सम स्केयर लेके फिर सम कर देना है ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बस आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे नोट्स भी आपको शो करवा दिए हैं। तो ये आपके नोट्स हैं, ये एग्जांपल हम ऑलरेडी डिटेल से मैंने आपको दिखा दी थी जो आपके हैंड नोट्स पे सॉल्व थी उसे बता दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी सम ऑफ स्केयर ऑफ ब्लॉक्स भी हमने यहाँ पे फाइंड किया उसी फार्मूला के तहत जो कि हमने देखा था। फिर हमने इसका इनोवा टेबल भी बनाया है और इसकी भी आपने कैलकुलेशन इसी तरह से करनी है जिस तरह से हम बाकी अपने पिछले एग्जांपल की थी और सिंपल सी कैलकुलेशन हैं। आई होप सो के लेक्चर जो है वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और हाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको दिखानी थी ये तो हो गया था हमारा कवर ठीक है, ये हमने देख लिया था ये वैल्यूज हमारी उधर सॉल्व नहीं थी बट हमने सॉल्व कर लिए। तो ये जो चीज़ है ना ये जहाँ पे अनसॉल्व थी आपकी बुक के ऊपर जस्ट उसने सिंपल सी कैलकुलेशन हमें दी हुई थी करके कि बाकी जो है वो आपने खुद कर लेनी है ठीक है। तो वो उसका भी टेबल सेम इसी तरह से बनेगा। यहाँ पे हमने टेबल की कैलकुलेशन कर ली है ठीक है, सबसे पहले उसको तरतीब से एक से लिख लिया है जहाँ पे आपकी सारी ट्रीटमेंट्स आ जाएंगे, यहाँ पे आपके ब्लॉक्स आ जाएंगे, यहाँ पे वैरायटीज टोटल्स मीन के इन सब का टोटल, फिर इसका स्केयर यहाँ पे भी और इस साइड पे ब्लॉक्स का टोटल और इनका स्केयर, फिर सम ऑफ स्केयर ऑफ ईच वैल्यू यहाँ पे भी सम ऑफ स्केयर ऑफ ईच वैल्यू। ये वैल्यू भी सेम आनी चाहिए जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है, ये वैल्यू भी सेम आनी चाहिए और यहाँ पे जो वैल्यू आनी चाहिए ये भी सेम आनी चाहिए ठीक है। तो ये सेम है हमारी। फिर हमने एस एस टी फाइंड कर लेना है, मैंने आपको बताया था ये जो वैल्यू है जहाँ पे जो आपने लिखनी है वो आपकी ये वाली वैल्यू आती है जो अपने ग्रैंड में निकाली होती है और ये जो वैल्यू है वो आपकी जब आपने ब्लॉक्स और ट्रीटमेंट का टोटल किया हुआ होता है वो आपकी वैल्यू यहाँ पे आती है डिवाइडेड बाय एंड टोटल जो नंबर्स आपके होते हैं उनके ऊपर डिवाइड होता है। फिर एस एस टी आर टी स्केयर ओवर आर और टी स्केयर जो है वो आपकी कौन सी वैल्यू होती है, वो आपकी वो वैल्यू होती है जो आपके वैराइटीज का स्केयर होता है और उनका जो सम होता है वो वैल्यूज आपकी होती है टी स्केयर की। और देन जो है वो एस एस ई आपने फाइंड करना होता है, तीनों वैल्यूज को माइनस करेंगे तो आपका एस एस ई आ जाएगा। फिर आपके पास जो है वो अनोवा टेबल हमने वहाँ से देख लिया था। और उसके अलावा ये एग्जांपल एक दी हुई थी जो उसके पे अनसॉल्व थी बिल्कुल ही। यहाँ पे सबसे पहले हमने जो है ना ये वहाँ पे जो वो वाई ए बी लिखा हुआ था वहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया और बाकी नीचे वही फार्मूला यूज़ किया जो हमने देखा था हैंड रूट्स पे। और यहाँ पे ब्लॉक्स जो है वो 3 हैं और जो ट्रीटमेंट्स हैं वो हमारे पास 5 हैं ए बी सी डी ई, तो वो हमने लिख दिया। फिर इन सब में वैल्यूज पुट की तो एक्स की जो वैल्यू वो हमारे पास क्या है 13 आई है। फिर हमने क्या किया है जी दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे जो है वो हमने एक्स की जगह पे 13 पुट किया। फिर इसको सिंपली उसी तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से जो हमने एग्जांपल कर लिया उसी तरह से इसको सॉल्व किया है। हर चीज़ इसकी जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके मुताबिक हमने टेबल बनाया। पहले टेबल की वैल्यूज़ देख लें, ये भी 103, इधर से भी 103, इधर से भी 103 और 771 जहाँ से भी 771 आती है जहाँ से भी 771 आती है। और मतलब कि क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक जा रहा है। तो बाकी हमने कैलकुलेशन सिंपल उसी तरीके से करनी है इसकी और एट द एंड जो है वो हमारी
हमारा एनोवा टेबल आ जाएगा इसका, वो भी इसी तरह से हमने बनाना है। और जो क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने का तरीका वो भी मैंने आपको बता दिया है, अपर और लोअर दोनों लिमिट्स को अप्लाई करके। यहाँ भी एक चीज़ आपने देख लेनी है कि आर माइनस वन और के माइनस वन आपका यूज़ होगा, और यहाँ पर साथ में माइनस वन आएगा, ठीक है। यानी कि इन दोनों को माइनस करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद एक उसमें से माइनस हो जाएगा, वो आपका सेवन आ जाएगा, फिर टोटल सेवन आएगा, और इन सबको सम अप करके यहाँ पे इस तरह से वैल्यूज आएंगे। और बाकी ये जो मीन स्केयर है ये सेम इसी तरह से इनको इस पर डिवाइड करते जाएंगे, ये आ जाएगा। और इसको जो है वो आपने अपने एरर का जो आपका आया है ना उसके ऊपर आपने इसको डिवाइड करना है, तो आपके पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, ये जो आपके टेस्ट है ना इनका वैल्यूज। और बाकी ये फिर आपने टेबल से अपनी वैल्यूज को देख लेना है और सिंपल सी इसी तरह से अपनी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। थोड़ी सी लेंथी है लेकिन ईजी है, आप इनको ध्यान से कीजिएगा। आई होप सो कि लेक्चर आपको समझ आ गए होंगे, कोई भी कन्फ्यूजन हो और अब जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट दो लेक्चर्स हैं वो भी हम कल तक कवर करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से उसमें भी अनसॉल्व एग्जांपल है उसको भी मैं करवा दूँगी, और जो हाईलाइटेड करने वाली ऑब्जेक्टिव होंगे वो भी आपको बता दूँगी। तो मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।